नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरपुर एयरपोर्ट से दोस्तों नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरपुर एयरपोर्ट के बारे में आप लोग को कुछ मैं जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि इस एयरपोर्ट का पहले हवाई पट्टी के रूप में काम 1954 में ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि यहां पास में ही रेणुकूट है और देश के प्रमुख उद्यमी श्री जी डी बिरला जी जब वहाँ कंपनी का आधारशिला रखे रेणुकूट में, तो उसी समय यहाँ एक एयरपोर्ट आवश्यकता महसूस हुई और उसी समय से 1954 में ही यहाँ इसका आधारशिला रखा गया और काम को लगाया गया। ये देख सकते हैं इसका ये मुख्य रनवे, यहाँ ये देख सकते हैं पूरा आगे तक पूरा बहुत प्लेन चौड़ा, ये डामरीकरण किया गया है। फिलहाल में ही काम यहाँ लगातार चल रहा है। दोस्तों 1954 में इसका आधारशिला रखने के बाद यहाँ चार्टर्ड प्लेन भी कभी कभी आया करता था, क्योंकि घनश्याम दास बिरला जी अपने कंपनी के देख रेख के लिए रेणुकूट यहीं से आगे कार से जाया करते थे। तो उसके बाद से यहाँ फिर आगे काम शुरू हुआ। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कंपनी के लोग के अलावा यहाँ अधिकारी एवं राजनेता भी इस एयरपोर्ट का यूज करने लगे। जब 1989 में मिर्जापुर जिला से सोनभद्र अलग जिला हुआ, तब यहाँ एयरपोर्ट की विशेष आवश्यकता महसूस हुई और इसका काम जोरों से चलाया गया और यहाँ दो विमान सप्ताह में रेगुलर हवाई सेवा के रूप में चलता था सवारी के लिए, जिसे बाद में कंपनी 6 महीना बाद घाटे में चली गई और इसलिए उसको बंद कर दिया गया। दोस्तों 1996 में हवाई सेवा चालू होने के बाद फिर यहाँ कंपनी घाटे में चली गई और बंद करना पड़ा। इसके बाद यहाँ जैसे इसको फिर से नया विस्तार दिया जा रहा है और एयरपोर्ट सोनभद्र जिला में है मेयरपुर में, जो कि दुधी तहसील में पड़ता है और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि मेयरपुर के एयरपोर्ट होने से जो बनारस में बाबतपुर हवाई अड्डा है वहाँ भी दबाव कम होगा और ये जैसे सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ अन्य राज्य को ही फायदा होगा। दोस्तों अमर उजाला समाचार पत्र के छपी खबर के अनुसार बात किया जाए तो एयरपोर्ट अभी 68 एकड़ में फैला है, जो जिसका विस्तार करके आगे 700 एकड़ में किया जाएगा और इसके आसपास के 5 गांव इसमें प्रभावित होंगे और इसे बेहद बृहद रूप से काम शुरू करने का एवं काम कंप्लीट करने का प्रशासन के ऊपर दबाव भी है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ ये काम चल रहा है एयरपोर्ट का और यहाँ सोना पोटाश एल्युमिनियम एवं अन्य खनिज संपदा से भरपूर होने के कारण यहाँ कई कंपनी फैक्ट्री लगने से यहाँ एयरपोर्ट का काम इसलिए बहुत विस्तार से किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये मेयरपुर बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है। यहाँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड और यूपी में तो है ही, यहाँ करीब इससे 4 राज्य को फायदा है, जिसमें कि लगभग 7 जिले आएंगे जो इससे सीधा कनेक्टिविटी होगा और उन लोग को बनारस नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर आस पास में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये देखिए दोस्तों एक बिल्डिंग के सामने यहाँ पूरा ग्राउंड बनाया गया, ये पूरा डामरीकृत किया गया है, ये देखिए आगे वहाँ भी। तो दोस्तों यही था मेयरपुर एयरपोर्ट का वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।